हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज यहाँ आप जानेंगे स्टार्स के बारे में, स्टार्स के टाइप के बारे में, जैसे वाइट ड्राफ्ट, रेड जाइंट और गैस क्लाउड के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तारे का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। यदि हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के तारों के विभिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करें तो तारे के जीवन चक्र को समझा जा सकता है। तारे के जीवन चक्र को सामान्य अवस्थाओं में रखा जाता है। गैस क्लाउड, किसी तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के बनने से शुरू होता है। इन बादलों को स्टेलर नेबुला कहते हैं। प्रोटो स्टार, जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल काफ़ी बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है। यह आदि तारा कहलाता है। इसका केंद्र सघन होता है, इसलिए इसे भ्रूण तारा भी कहते हैं। स्टार, प्रोटो स्टार के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टकरों की संख्या बढ़ जाती है, फलतः हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। इससे अंदर का दाब, ताप और बढ़ जाता है, जिसे तारे की संख्या दी गई है। रेड जाइंट स्टार, तारे के केंद्र में नाभिकीय संलग्न अभिक्रियाएं होने लगती हैं और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है, और कुछ समय पश्चात इसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलग्न अभिक्रियाएं रुक जाती हैं और इसके क्रोड में दबाव कम होता जाता है। तारा सिकुड़ने लगता है, परंतु तारे के बाह्य कवच की हाइड्रोजन हीलियम में संलग्न होने लगती हैं और ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा कहते हैं, क्योंकि इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। वाइट ड्वार्फ, जब रेड जायंट का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त होता जाता है। बचा हुआ क्रोड धीरे धीरे संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के द्रव के गोले के रूप में बचा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे हीलियम के नाभिक कार्बन जैसे तत्वों में बदलने लगते हैं, जिसके कारण क्रोड वाइट ड्वार्फ में बदलने लगता है। ब्लैक ड्वार्फ, जब वाइट ड्वार्फ के क्रोड का हीलियम धीरे धीरे समाप्त होता जाता है तो वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता और शीतल होकर सघन ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है। सुपरनोवा, सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना से ज़्यादा भारी तारे होते हैं, अपने द्रव्यमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। इनका केंद्र अचानक संकुचित हो जाता है। इस अचानक संकुचन से एक महाविस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा इतने चमकदार होते हैं कि कभी कभी इन्हें दिन में भी देखा गया है। सुपरनोवा विस्फोट से निकले पदार्थ से निहारिका बनती हैं। न्यूट्रॉन स्टार, जब कोई विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसमें सभी चीज़ें न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहती हैं। ब्लैक होल, वृहद संकुचित तारे जो कि अदृश्य हो जाते हैं, ब्लैक होल कहलाते हैं। तो तारे के बारे में आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। एस्ट्रोनॉमी से संबंधित मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट।